हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज है संडे और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से। तो हमने मतलब इन लोगों ने नाश्ता कर लिया। अभी मुझे बर्तन वर्तन धोने हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा, फिर नहाएंगे, फिर मैं नहाने जाऊँगी, फिर काम करेंगे। आज संडे है तो आज ज़्यादा काम होता है। आज अनुज भी घर पर है, खेल रहा है यहाँ पे। ये रहा अनुज, ये अनुज खेल रहा है ये। और मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। पहले तो मौसम तो कुछ ऐसा हो रहा है, अभी ये दिख रहा नहीं ठीक से, अभी थोड़ी देर में दिखेगा 10 बजे तक, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। अभी ये बर्तन वर्तन है, पहले इनको धोती हूँ फिर बात करती हूँ थोड़ी देर में, आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, बर्तन धुल गए और अभी मैंने दूध रखा है। आज अनुज घर पे, अनुज ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है तब से, मतलब बहुत से मार मार के अब यहाँ पे बैठ गया है। तब से मैं बर्तन धो रही थी, 2-3 बार मुझे यहाँ पे मारने आ गया था। क्या हो गया, बस ख़राब हो गई हो? तो ये संडे में बहुत परेशान करता है, यहाँ पर बैठा हुआ है, मुँह छुपा रहा है। ये रहा, दिख रहा अनुज धूप में, बहुत मारा इसने मुझे बॉल से कल शाम को भी, अभी भी काम नहीं करने देता है, खुद भी नहीं करता है। कपड़े की तो बॉल थी, देखा आपने मुझसे कैसे लड़ाई कर रहा है ये, बोल तो एक बार और। तो गाइस, पहले मैं झाड़ी पोछा कर रही हूँ, झाड़ू पोछा। अनुज झाड़ू पोछा करती हूँ पहले तो। अब मैं आ गई नहा के बाहर को और अब धोने हैं बहुत सारे कपड़े सबके। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बट पानी नहीं है, पानी बंद हो गया। देखती हूँ टंकी में अभी कितना पानी है, फिर जाएंगे कपड़े धोने वहाँ पे। तो गाइस, अब चलते हैं सीधा नीचे को। मैंने मशीन चलाई थी जब मैं नहाने गई थी और अब चलते हैं नीचे। अभी अपन नीचे आ गया है, ठंडे ठंडे पानी से ठंडे ठंडे कपड़े धोने हैं। पानी भी नहीं आया यहाँ, जो घर में बचा पानी है उसी से धोएंगे। ये रहे मेरे कपड़े, तो मैंने पहले ही घुमा लिए थे, अब इनको छल रहा है पहले तो। सखियां ने मैंने मेरे मार दिया। गाइस, अभी कपड़े छाल दिए मैंने, अब मैं इनको रखने छत में जा रही हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप आ रही है बहुत ही बढ़िया है, तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। कल के तो बहुत देर में सूखे थे, 2-3 बार पलटाए थे मैंने, उसके बाद सूखे थे कपड़े। आज तो अच्छी धूप है और तब तक कपड़े सुखा के खाना बनाने का टाइम हो जाता है इतने में ही, क्योंकि आजकल के दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो इस वजह से टाइम जल्दी 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 निकल जा रहा है, पता ही नहीं चलता है टाइम का। तभी सुबह के 6 बजे होते, तभी 8 बजे देखते हैं हम, तभी 10, तभी सीधा 1 बज जाता है। ऐसा लगता है 2 बज ही नहीं रहे, सीधा 4 ही बजेंगे अब। आ गई मैं छत में को, अब इससे भी ऊपर वाली छत में जाने हैं। मेरी आईब्रो कितनी मोटी हो रही है, बनवानी हो रही है, बट मेरे को डर लगती है, मैं क्योंकि बनाती नहीं हूँ तो वो डर लगती है। मेरा मन मैगी खाने का हो रहा है अभी, मैं अपने लिए पहले मैगी बनाती हूँ। अभी टाइम 10:30 हो रहा है शायद, अभी गोलू आया था, पता नहीं उसे क्या हो गया, नज़र लग गई शायद, रह नहीं रहे हैं हमारे साथ। इधर को बहुत अंधेरा सा आ रहा है।
मुझे भी जुकाम जुकाम सा लग गया हल्का। पहले मैं मैगी बनाती हूँ फिर अपने लिए। मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ ऊपर और अब बनाती हूँ मैगी। थोड़ा मैं मैगी लेके आ गई अपने लिए और अब मैं मैगी बनाती हूँ। आज लाइट भी नहीं है यहाँ, कैसे अंधेरा सा आ रहा है। तो अभी मैं पहले थोड़ा मैगी बना लेती हूँ। गाइस अभी हमारी मैगी बन चुकी है और मैं बुलाती हूँ अनुज को। आज इसकी छुट्टी है तो इसने हुड़दंग मचाई हुई है, तब से सुबह से बॉल खेलने में है सुबह से। अनुज आ जा खाना खा ले। अनुज तब तक मेरा खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है। हाँ तो आज हम मैं सोच रही आज दाल चावल नहीं बनाऊँ, आज सब्जी रोटी बनाऊँ, क्योंकि रोज रोज चावल खा के परेशान हो गई। आजकल ठंडा भी है बहुत ज़्यादा तो चावल खाने का मन भी नहीं करता है। मैं आज बनाती हूँ आलू की सब्जी, उसके लिए मुझे कुकर ले जाना पड़ेगा अंदर। आलू उबालने हो, आलू कहाँ है, आलू उबालती हूँ अभी। पहले मैं आलू उबालने को रख देती हूँ। तो अभी मैंने रख दिया आलू उबालने को, आज आलू के गुटके बनाएंगे। तब तक मैं आटा गूंथती हूँ। हमारा मैगी भी ठंडी हो गई, हमारी मैगी खा लेते हैं पहले, तो नहीं तो हमारी भूख भी मर जाएगी 12-1 बजे तक। बाहर ही ले चलती हूँ धूप में मैगी को, आज लाइट ही नहीं है तो अंधेरा सा आ रहा है बहुत। मैगी खाएंगे धूप में, ठंडा भी नहीं लगेगा और मैगी का मजा लेंगे हम लोग। रानुष बाहर ही आ गई। तो गाइस अभी हम मैगी खाते हैं, ठंडी भी हो गई। अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में मैगी खाने के बाद। और गाइस अभी हमने मैगी खा ली है, अब हम खा रहे हैं नींबू। अरे सीता हो गया ये, मैं गोड़ दूँ क्या धूप में रख के। ये रहा मेरा नींबू, कड़वा हो गया, थोड़ा हल्का हल्का हो रहा है बट टेस्टी है। नमक लिया पिसा हुआ और नहीं है अंदर है, उसके साथ खाएंगे तो टेस्टी हो जाएगा। फिर देखना सीटी आने वाली होगी। गाइस अभी हम खाना खा के ऊपर वाली छत में आ गए हैं। मम्मी अनुज का स्क्रब कर रही है और मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि नीचे वाली छत में धूप नहीं आ रही है बिल्कुल भी, इसलिए हम ऊपर वाली छत पे आ रहे हैं। आजकल दिन में खाना खाने के बाद थोड़ा धूप सेकने के लिए। मैंने सुबह से बाल भी नहीं बनाए हैं, नहा के ऐसे हो रहे हैं बाल भी नहीं बनाए मैंने। अभी मैं चाय लेके आ गई थी नीचे को, अब मुझे ये है हमारा नीचे जाने का रास्ता, यहाँ से जाऊँगी चाय लेने देने मम्मी को। आज पापा घर पे नहीं है, मम्मी है नीचे और मम्मी के साथ अनुज भी है, मैं भी जा रही हूँ। वैसे तो आज संडे है बट फिर भी पापा अपने काम से गए हैं, मतलब कहीं सामान वामान लेने के लिए। और क्या बोलूँ फिर, अभी मुँह भी नहीं धोया मैंने, सीधे मैं उठ के हाथ धो के चाय बनाने चली गई थी। बाहर यहाँ पे वागे कबूतर वगैरह कैसे कर रहा है, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई उड़ गया वो। और आज हमारे वहाँ पानी भी आ गया है, 2-3 दिन से पानी नहीं था और हमारे ड्रम वगैरह भी खाली हो गए थे। अभी आज ड्रम भरना है, मैं अभी डब्बे पलटा रही हूँ अनुज के लिए, अनुज लाएगा तब तक पानी। मैं बार बार बना के मैं भी जाऊँगी फिर उसके साथ। और यहाँ पे भाभी लोगों ने झाड़ी वाड़ी भी जला दिया, सारा कूड़ा जला दिया। यहाँ पे दो गाय और एक कुत्ता, बाकी झाड़ी वगैरह बच्चे हैं उनको खाने पे लगा हुआ है।
झाड़ उतर इधौड़ा उसको खा रहा है साधु। ये पता नहीं क्या खाने पे लगा तब से। अब मैं टपकी पे जाती हूँ। अभी मैंने बाल बना लिए और मैं टंकी पे जा रही हूँ, पानी भर लेती हूँ थोड़ा। फिर यहाँ शादी है 2 दिन बाद, तब तो पानी ने वैसे भी बंद होना ही है। फिर 2 दिन तक ये भरेंगे अपने ड्रम वगैरह शादी के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, बाकी के जो बर्तन वगैरह है उनको धोने के लिए। तो अभी मैं जाती हूँ टंकी पे। गाइस अभी मैं टंकी पे आई हुई हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी धूप है, एकदम चमक रहा है कैमरा। और मैंने बाल्टी लगाई हुई है, ये मेरी बाल्टी। और यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है, ये तड़म को जाने वाली रोड है, मतलब रास्ता ये वाला जो जा रहा है नीचे को। और ये सूरज की किरणें पड़ी इधर को, इधर को मौसम बहुत अच्छा रहता है वैसे, सूरज भी दिख रहा है एकदम साफ। अभी मैं पानी लेके आ गई और पापा आ गए हैं, पापा के लिए चाय रखी हुई है मैंने। सुबह से हमारे वहाँ लाइट भी नहीं थी, अभी आई है लाइट। अब मैं फ़ोन चार्ज भी लगा रही हूँ, इसमें बिल्कुल 12-13% बैटरी है। ओ रब्बा, और क्या बोलो फिर, अब लाइट आ गई। फ़ोन चार्ज करते हैं, पापा को टी दे के आते हैं, उसके बाद पानी पूरी बनाने का मन हो रहा है। अभी पानी पूरी बनाती हूँ मैं, पहले शायद देखती हूँ अगर अनुज लोग खाएंगे तो। पानी पूरी बनाऊँगी सबके लिए। पानी पूरी तो नहीं बनाई मैंने, बट समोसे खा रही हूँ। गाइस अभी मैंने समोसे खा लिए हैं और अब मैं ज़रा कपड़ों में तय कर रही हूँ, और अनुज की स्कूल की ड्रेस है उनमें प्रेस करना है, और बाकी कपड़े हैं इनकी तय लगानी है पहले। तो गाइस मैंने कपड़ों की तय कर दी है, और अब आटा तो गूंद दिया था, अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है। मम्मी सब्जी बना रही है, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी, आज जल्दी खाएँगे। अभी 7 बजे हुए हैं, क्योंकि पापा कहीं गए थे तो थक गए होंगे, और जल्दी खा के जल्दी आराम करेंगे, सो जाएंगे। और आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज। बाय बाय।